ज्योतिष आचार्य जी, जल्दी माघ पूर्णिमा आने वाला है और पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित रहता है, लेकिन उस दिन जातक ऐसा क्या करे जिससे भगवान की जो विष्णु की जो असीम कृपा है उस जातक पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। साल भर के 12 महीने में 3 महीना जो है वह विष्णु भगवान को समर्पित रहता है, जैसे मार्ग शीर्ष, माघ और बैसाख, ये 3 महीना में विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। तो अब की जो 24 फरवरी शनिवार को जो पूर्णिमा होने जा रहा है वह माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाएगा। तो माघी पूर्णिमा के दिन यदि आपको लक्ष्मी के साथ विष्णु की कृपा पाना हो तो उस दिन आप जो है विष्णु भगवान के नाम से कुछ हवन करें। तो हवन करने की विधि क्या है? हवन में घी, खीर और सफ़ेद तिल, इसकी महत्ता ज़्यादा है। सफ़ेद तिल विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसलिए खीर और सफ़ेद तिल, घी मिलाकर के, मधु मिलाकर के यदि उस दिन विष्णु भगवान से आप विष्णु भगवान का यज्ञ करके विष्णु भगवान को हवन करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी विष्णु भगवान की विशेष कृपा होगी। विशेष कृपा पाने के लिए ही ये जो 3 महीना है, मार्गशीर्ष, माघ और बैसाख, इस पूर्णिमा को यदि विष्णु भगवान का हवन करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। हवन में सफ़ेद तिल होना अति आवश्यक है।